पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब से जो है ना बस कपड़े बाहर निकाल रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे और बता भी नहीं रहे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बोलेंगे? यार वो जो आपका बॉक्स है छोटा सा, उसमें आपके जो इयर रिंग्स है वो तो रखे हुए। बॉक्स याद है कौन से कलर का था? कल बोल रहा था इसको सर्कस में भेजो। दोस्त ये मैं नहीं सुन सकता, सर्कस बोला है दोस्त। देखो जी सर्कस में भेजो जजीतर, मैं सीधा साधा आदमी हूँ और विश्व का कुछ भी समझाता हूँ और ये बैठे बेगम साहब मेरे को भी समझाता हूँ मगर अभी तक अमल नहीं कर। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर और यहाँ पर देखें मौसम कैसा बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है फुल तेज। और ये सामने वाली बिल्डिंग तो वो नज़र ही नहीं आ रही, बादलों के अंदर छुप गई है। और आज तो सूरज भी छुपा हुआ है बादलों के बीच में, आज सूरज भी सही से नहीं नज़र आ रहा। और आए थे छत पर, मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर घूम फिर कर भी आते हैं और आपके साथ थोड़ी बहुत बातें भी करके आते हैं। और अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता धूप आ रही है, पहले तो फुल अंधेरा ही छा गया था और सूरज भी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, छुपा हुआ था। अब बादल शायद जगह दे रहे हैं सूरज को बाहर आने की, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। कल तो सारा दिन लाइट ही नहीं थी, कल 12:30 बजे से गई है, शाम 7 बजे आई है, मतलब पूरे 7 घंटे लाइट नहीं थी। एक तो लाइट नहीं थी और एक इत्तेफाक की बात देखें, परसों वाले दिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं थी, और कल जब लाइट नहीं थी तो हवा बिल्कुल ही नहीं चल रही थी। हालांकि कल हवा की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन खैर मोबाइल को ना मैंने ज़्यादा कल यूज़ नहीं किया था, कल मैंने व्लॉग भी इतना नहीं बनाया था। आप लोगों ने कल देखा होगा कल मैंने इतना व्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि लाइट नहीं थी। तो शाम को शुक्र है मोबाइल में बैटरी थी तो मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करके रख दी थी और किचन की सफाई कर ली, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिया, उसके बाद सालन और रोटी वगैरह थी तो वो भी मैंने आराम से बना ली थी। और अंधेरे में मेरा पूरा घर का काम जो ना काम ख़त्म भी हो चुका था। और अभी भी बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, हालांकि यहाँ पर अभी 80 की अजान होने वाली है, अभी हो भी नहीं है और इतना अंधेरा छा चुका है, ऐसा लग रहा है कि ना अभी मगरिब की अजान होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी बातें कर ली और अभी भाई भाभी भी घर पर नहीं है, शायद कहीं गए हैं बाहर, तो मैं इससे ऊपर छत पर चलते हैं, हवा भी इंजॉय करके आते हैं और आपके साथ भी थोड़ी बहुत बातें करके आते हैं। तो सॉरी गाइज, मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छा लगता है कि मेरा व्लॉग आता है, लेकिन कल मेरा एक भी क्लिप नहीं आया। चलें जी, तो बहुत सारी बातें कर ली हैं और बातें करते करते कौन आए हैं? अबू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अबू? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुनाएं? जी मैं ठीक हूँ। अबू आपने मौसम देखा है? हाँ मौसम इसलिए तो आए हैं ना ऊपर। अच्छा, 6:30 बजे आते हैं। अच्छा, आज जल्दी आ गए, बारिश बनी हुई, अल्लाह करे बारिश हो जाए, गर्मी का जोर टूट जाए। अच्छा, आज मौसम बहुत प्यारा है। अच्छा अबू ये बताएं कि अभी आप खाना खाएंगे या चाय? चाय। चाय बना दूं? चाय थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? हाँ, अभी तो हवा, आप भी अभी मैं भी आया हूँ, अभी आप जो है करें, हवा ठंडी चली हुई है जी, तो आपकी अम्मी भी आ जाएगी एक साथ चाय पी। चलें ये ठीक बात है, आप हवा एंजॉय करें, अभी मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि कल जैसा कि अबू आपको पता है कि कल लाइट नहीं थी ना जी, जी। तो मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया था। कल लाइट पूरा दिन नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी बातें भी करके आते हैं और सॉरी भी कह देते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखें आहिस्ता आहिस्ता सूरज आ रहा है और धूप भी आ रही है। चलें ठीक है अबू, आप लोग इंजॉय करें, मैं जा रही हूँ। जी बेटा जाए। चलें जी, तभी चलते हैं नीचे और देखते हैं आज क्या बना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो फातिमा, कैसे हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? कहाँ गए थे? अभी गया था थोड़ा सा, अबू ने कोई दालें छाले गई थी। अच्छा, सब्जियां तो खाते थे, दाल वगैरह भी होनी चाहिए घर में। जी वो रेड वाली मैंने इस बार ली क्योंकि आप लोगों ने बनाई और बांट दिया किसी को, एक रेड वाली पतली दाल थी ना जी, अब पीली वाली पतली दाल लाया और उसके साथ दूसरी चने की दाल लाया। नहीं जो लाल और पीली होती है वो मिक्स करके बनाती हूँ। लास्ट टाइम ही बनाया? नहीं लास्ट टाइम मैंने, लास्ट टाइम वो थी नहीं, थी कोई ले गया, अम्मी ने दे दी, मैंने बनाई थी। अच्छा, आप ही बनाओ क्योंकि वो लाल वाली नहीं बनाई थी तो बहुत सारी पड़ी थी। अभी खैर अभी मैं लाया हूँ चने की दाल और ये दाल, अभी इम्तियाज से थोड़ा बहुत सामान ले गया था जैसे। और आपको मुबारक हो। खैर मुबारक किस चीज़ की आपको नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ, फ्रिज की। हाँ थैंक यू सो वेरी मच, फ्रिज की हमने इसलिए रखा हुआ वहीं पर। अच्छा, वहाँ पे शोरूम में सेफ पड़ा हुआ है। दूसरा हम यहाँ जगह, एक तो आपको पता है ये डिवाइडर ने हमें तंग किया हुआ जी, वो आएगा कहाँ रहे हैं, तो एक ही दफ़ा जब नीचे फ्लोर खाली होगा ना जी, जैसे वो जा रहे हैं क्योंकि अभी तो वो जाने का टाइम लिए जा रहे जैसे वो जाएंगे ना तो फिर ला के नीचे स्पेस होगी हमारे पास, ये डिवाइडर भी जाएगा नीचे, तो इस तरह से स्पेस पूरा घर खुला हो जाएगा जी, कुछ सामान नीचे जाएगा, फिर कुछ करेंगे आगे जाके स्टोर्स का भी देखते हैं क्या सीन है। चलें ठीक है, चलो मैं अभी जाता हूँ, मुझे जाना है, देर हो गई मुझे। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू, हाँ। देखिए गाइस आसिफ भाई जो है ना अपनी स्नैप बनाते हुए, चेक करें भाई फुल माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है यार,
एक मुझे तो बनाने दो, मुझे तो बनाने दो, एक बार देखते हैं कैसे लग रहा है। ओए 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 गाइस, अभी हमें इग्नोर कीजिए आप, देना मौसम चेक कीजिए। ओए ओए अचानक से मौसम में जरा तब्दीली आई है और काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। चलो भाई, ये रील बना रहे हैं या स्नैप बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करते। और ये सब देना देखते हो ऐसी भाई को। और अहमद भाई, अब हेलमेट मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि हेलमेट जो ना मेरा चोरी हो चुका है। चलो तुम्हें नया हेलमेट मिला। चलो यार, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऑफिस से सीधा जो ना मैं किसी से मुलाकात करने आया था और उन्होंने बोला था इस ग्राउंड आ जाओ, तंजीम ग्राउंड, जो कि मैं पहुंचा हूं। और यहां पर जो ना मैच भी चल रहा है गाइस फुटबॉल का, और रश चेक करो भाई, यहां पर भी बच्चे फुटबॉल खेलें और जो ना मैच चल रहा है ग्राउंड के अंदर, और स्टेडियम में रश देखें भाई, आप भी हैं सब हैं यहाँ पर माशाल्लाह से, पूरा ग्राउंड फुल है भाई। और मौसम भी गाइस बहुत ही प्यारा हो रहा है। तो खैर, जब तक भाई नहीं आते तब तक जो ना सामने खड़े रहते हैं, इनके साथ मैच एंजॉय करते हैं। जो वाइट किट में खेल रहे हैं गिजरी की टीम है, और दूसरी जगह बाहर से टीम आई है, तो अब देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा, तो गाइस घर गए पहुँच, और इस वक्त मगरिब की अजानें भी हो चुकी हैं, और जिन साहब से मैंने मुलाकात करनी थी उन्होंने मुझे बुलाया था 6:30 बजे। तो ऑफिस से फिक्स 6 बजे मैं निकला, 6:30 बजे लोकेशन में पहुंचा, और वहां पर वो साहब मिले नहीं, और वहां पर मैंने उनका आधा घंटा वेट किया और मैच देखते रहा। और उसके बाद जो है जब वो नहीं आए तो मैं जो है चुपचाप घर आया, और घर पर आके जो है ना अभी मैं अम्मी से हाल अहवाल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? हाँ। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा रहा। ठीक हाँ। है भाई, और फातिमा जो है मेरे लिए चाय भी लेके आई गर्मा गर्म, बहुत बहुत शुक्रिया गर्मा गर्म चाय देने के लिए। आपने पी ली अम्मी? अम्मी से मैंने पूछा, मैंने कहा मैं देर से पीऊंगी। अच्छा, चाय एंजॉय करते हैं, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा चाय पीने से ठीक होगा, और उसके बाद आप सबसे मुलाकात करते हैं। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें भाई, हमारे 100K नहीं हो रहे यार, आप सब सब्सक्राइब करें, 100K होंगे, जितना जल्दी होंगे उतना जल्दी जो है फातिमा अपने मेके जाएगी। ठीक है। कैसा अम्मी? अम्मी हंस रही है अम्मी, कैसा? जितनी जल्दी 100K होंगे बेचारी के ऊपर चढ़ती है। ये हुआ कि जब तक नहीं होगी तब तक नहीं। ये सही है, ये अचानक से गाइस दिमाग में आए क्योंकि आप सब चाहते फातिमा तुमसे लोग कितना प्यार करते हैं, कितना जल्दी तुम्हारे 100K। क्या बात कह दी अम्मी, वाह 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 वाह, क्या बात कह दी। ये तो मेरे दिमाग में फातिमा को और हम लोगों को फातिमा से लोग कितना प्यार करते हैं। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करें और 100K करवा दें ताकि फातिमा जो है मैं माइक जा सकूं। चलें करते हैं, बाकी थैंक यू सो मच चाय। हाँ, बाकी थैंक यू सो मच फातिमा, आपने जैसी आया मुझे चाय दी, और आपका सामान आपको मिल गया जी, थैंक यू, वेलकम। चलो भाई, यहाँ पर अबू भी आ गए हैं और भाभी ने भी ज्वाइन कर लिया है। और अबू सुनाए? अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक है। भाभी आप सुनाए? ठीक है। क्या चल रहा है अबू? सर्कस बिल्कुल नहीं है, बादल काले काले बने हुए कल से। अब ये क्या बात के, छोड़े वो बादलों को, पहले ये बात बताइए क्या बात की अम्मी ने? दोस्त ये मैं नहीं सुन सकता, कल बोल रहा था इसको सर्कस में भेज, दोस्त ये मैं नहीं सुन सकता, सर्कस बोला है दोस्त। देखो जी, सर्कस में भेजो जजी तर, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मौलवी आदमी हूँ, और बच्चों को अपनी बहू फातिमा को समझाता हूँ काम, और जिस का भी समझाता हूँ, और ये बैठे बेगम साहब मेरे को भी समझाता हूँ, मगर अभी तक अमल नहीं कर रहा। कौन अमल नहीं कर रहा? अरे कहना क्या चाहते हो? तीनों अमल नहीं कर रहा। अच्छा, शादी को 45 साल हो गए, समझा कोई बात इसमें दिमाग तक अभी नहीं बैठे, समझ रहे हो? ओए ओए ओए, क्या सुन रहा हूँ? इसको खाना पकाना आता है। अच्छा, ओए 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 ओए, खाना सिखा के थक गया। जब भी बोल तो खाना पका, मुझे कुछ नहीं आता। आप ही पका लें। और जिस बार को मैंने पकाया, एक हफ्ते समझाए वो सब कुछ। क्या बात, फातिमा को भी अभी समझा रहा हूँ बिस्मिल्लाह के, ये पहले इंशाल्लाह वो भी समझेगी हफ्ते में, ठीक है। और 45 साल में ये समझा के थक गया हूँ, बिल्कुल जीरो। बहुत तेज हो रहा है।
क्या 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 तुम तो बड़े हीरो हो, हीरो हूँ तो कुछ जहन में है ना। हाँ बढ़ता मेरे जहन में कुछ नहीं, अभी से आ गया भाई, ये अच्छी बातें मेरे जहन में है। खाना कैसे को सिखाना, नमाज पढ़ाना, नमाज पढ़ा करो, खाना पकाया करो, अपने घर का काम किया करो, ये चीजें मेरे जहन में है। नमाज मैंने देखी तुम्हें पढ़ते हुए, नमाज देखा नहीं, दो भाई थे तो एक नमाज पांच टाइम के पढ़ता था, एक बेचारा नमाज नहीं पढ़ता था, तो उसको लोग बोले तुम्हारा भाई नमाज नहीं पढ़ता, तुम्हारा भाई नमाज नहीं पढ़ता। उसने बोला माँ को कि इसको बोलो नमाज पढ़े, उसने बोला चलो ठीक है। वो आगे नमाज पढ़ा था, वो पीछे वाला भी नमाज पढ़ रहा था, कभी यूं देखे पीछे वाला, कभी यूं देखे, पहली नमाज पढ़ रहा था नहीं, उसने बोला मेरे भाई का दिमाग ना कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था, कभी जमीनों में जा रहा था। ऐसे नमाज तो पढ़ता है, लोगों को भी पढ़ाता है, इसका दिमाग उस तरह कबूल करे। 45 साल में आपने क्या सीखा है? अल्लाह माफ करे। ओए 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 दूसरे की बातें करो, जब आपको कुछ भी नहीं आता। ओके 45 साल में आपको समझा समझा के थक, और तुम सब किस में चले गए? सर्कस में। तो ये सर्कस कम है? देखो तो सही, ये सर्कस भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ है। चलो सही है, अभी तुम जाओ नीचे, बाद में गपशप करना। नीचे जा रहा हूँ अपने भाई के लिए ना, अगर हमजे को मैंने बोला था दूध लिया ना टाइम पे, वो बेचारा बीमार है, बहुत परेशानी है उसके लिए, तो बहुत परेशानी है। अल्लाह चले ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाए। ओके 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 बाय बाय, अपना ख्याल रखो। ओके बाय। और आज इतना काम था कि मैंने आज सुबह से किचन नहीं साफ़ किया, तो मैं थक गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर तक कर लेंगे बाद में, तो बाद में बस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आँख लग गई थी 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद जैसे मैं उठी तो बस अम्मी आ गई, अम्मी के साथ थोड़ी बहुत बातें की, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने कहा मुझे चाय बना के दें, तो चाय बना के दी, उसके बाद थोड़ी बहुत गपशप किए। तो जब सब घर पर जमा होते हैं तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि काम ना करूँ और कोई काम भी ना हो, तो मैंने कहा बाद में काम ख़त्म कर लेंगे, पहले गपशप कर लेते हैं, फैमिली के साथ टाइम थोड़ा सा गुजार लेते हैं, उसके बाद ही काम शाम करेंगे। तो अभी करते हैं इस किचन की सफाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किचन हो चुका है एकदम नीट एंड क्लीन, बर्तन वगैरह भी वॉश हो चुके हैं और चूल्हा वगैरह भी साफ़ हो चुका है, और नीचे से मैंने झाड़ू भी लगा लिए। और आप लोगों ने कुछ व्लॉग्स में देखा होगा, जब भी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे तो मैं किचन में ही काम कर रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आएँ तो मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ। और आज 10-15 मिनट में सो गई हूँ ना, अगर वो मैं ना सोती ना तो किचन आज ख़राब नहीं होता, वो साफ़ हो जाता टाइम से। लेकिन खैर जो होना था वो तो हो गया और किचन भी अभी साफ़ हो चुका है। तो और अभी मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के आने से पहले ही मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं फ्री हूँ। तो अभी चलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। ये क्या है? ये डांस है जो सारी रात गाने चलते हैं ना जी, तो आज मैं बड़ा थोड़ा सा हम भी जो ना इंजॉय कर लें। अच्छा, डेली नींद इंजॉय करते हैं गानों के साथ, आज थोड़े से ना डांस इंजॉय कर देते हैं। अच्छा, अभी आ जाए आप, खाना इंजॉय करते हैं, डिनर जो ना लेके आ गए हो, तो भाभी वेट करें उस रूम में, भाभी आप में बैठ के खाते। वैसे एक बात है जी जी, आपने गाइस क्या बात है गाइस, जो अब इन्होंने जो घुमाया ना कैमरा, ये कोई जो है ना प्रोफेशनल व्लॉगर बन गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख कैसे लग रहा है, ये कैसे सीखी है? आपने तो सिखाया है, तो मतलब इतना जल्दी कैसे हो सकता है यार। गाइस गाइस ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से इन्होंने कैमरा पकड़ा है और फौरन से जबरदस्त खुश हुई देख के। ओह माय गॉड, अभी आ जाए खाना खाते हैं। आपको पता तो है कि मुझे एक बात अगर समझाई जाए तो वो मुझे समझ आ जाती है। हाँ ये तो है, बहुत क्विक लर्नर है माशाल्लाह, बहुत जल्दी जो है सीख जाती है, तो वेरी गुड। मैं आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर मेरा वेट हो रहा है जी जी, आपका वेट हो रहा है। सॉरी वेट करवाया मैंने, कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं, जल्दी आ जाओ, खाना तो दिखाएं क्या खाएंगे आज हम। आज हम जो है गाइस चिकन रोल खाएंगे, और ये चिकन रोल है इनको जो है मैंने कट करवाया है। अच्छा, खाने में आसानी हो। आसानी हो। और ये फेवरेट चटनी मेरी, जो कि आपको इसकी हिस्ट्री बाद में बताएंगे, पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपको हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है? चलें ठीक है। और भाभी आज ना आप ये ट्राई कीजिएगा चटनी, फिर बताइएगा। भाभी ने खाई मेरे खाते नहीं खाई शायद, चलो भाई भाभी भी आज खाएंगे, फिर उसके बाद ना हम हिस्ट्री बताएंगे सबको। गाइस अभी करने लगे थे हम एंड करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि कब से मेरे हस्बैंड चुपचाप जरा लगे हुए हैं इस काम में,
पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब से जो है ना बस कपड़े बाहर निकाल रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे और बता भी नहीं रहे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बोलेंगे? कुछ बता तो दें। और शुक्र है कि अभी बोले तो है, कब से मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है, ये कुछ बता ही नहीं रहे। और अभी जो है इन्होंने अलमारी का ये हाल कर दिया, पूरे कपड़े कहाँ के कहाँ इन्होंने डाल दिए। अब बता देना क्या हुआ है। आप कुछ बताएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। गोल्ड की रिंग नहीं मिल रही। मजाक कर रहे मेरे साथ? ये आपको मजाक लग रहा है? नहीं, अलमारी का मैंने हाल ही कर दिया। ये देखे, मैं इतनी मेहनत से अलमारी को सेट करती हूँ, आज मेरे प्यारे सेल्समैन ने सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। यार मुझे याद नहीं आ रही, मैं भूल गया हूँ कि गोल्ड की रिंग जो मिली थी ना शादी के दिन, किसने दी थी? आपकी मम्मी पापा ने गिफ्ट दी थी ना। अल्लाह माफ करे। और आज आपको रिंग का कैसे ख्याल आया? रिंग का ऐसे ख्याल आया कि मैंने ना एक चेक बुक ढूंढ ली थी, जो मैंने आपके ऑफिस में बोला कि मेरी चेक बुक ढूंढो, वो आपको नहीं मिली, ठीक है? वो चेक बुक तो मुझे मिल गई, वो चेक बुक ना इसके अंदर थी, ठीक है? अच्छा, वो चेक बुक तो मिल गई, ठीक है? अच्छा। और उसके बाद मुझे याद आया ये गिफ्ट जिसे मुझे मिले थे ना, वैसे के वैसे रखे हुए, एक ये मिली थी और वॉच मिली थी और प्लस गोल्ड की रिंग मिली थी। तो वो गोल्ड की रिंग मैं भूल गया हूँ कि कहाँ रखी हुई है, क्योंकि इससे पहले जो है ना मैं खो चुका हूँ, वो मिल गई थी वापस, लेकिन अब जो है ना नहीं मिल रही। पूरी अलमारी मैंने बाहर सामान वगैरह निकाल दिया, सब चीजें देख ली। और गाइस, जो मेरे हस्बैंड है ना, जो चीज जहाँ रखते हैं भूल जाते हैं, लेकिन मैं रखता ऐसी जगह में, मतलब कि मुझे पता था इस जगह पे रखी हुई है, ठीक है? और मैंने अलमारी में ही रखी थी, अब मुझे मिल ही नहीं कि कहाँ पे, क्योंकि मैंने वैसे मैं पहनता ही नहीं रिंग, मेरे देखे हाथ खाली होते हैं। वो सिर्फ मैंने पहनी थी वलीमे वाले दिन और वलीमे के नेक्स्ट डे, तो उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं है। और पंजाब में ना एक बार मैंने ना रखी थी कहीं, भूल गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जो ना मैंने फिर इस अलमारी में रखी थी और अब नहीं मिल रही, मैंने कहाँ खो गई है। चलो अब इसमें ना हो, इसमें कैसे हो सकती है, इसमें नहीं है। यार वो जो आपका बॉक्स है छोटा सा, उसमें आपके जो इयर रिंग्स हैं वो तो रखे हुए हैं। मेरे रिंग का बॉक्स याद है कौन से कलर का था, समझ रहे हो? मेरे ख्याल में व्हाइट कलर का था। व्हाइट कलर का था जी, पूरा बॉक्स था ना जी। इसके अंदर तो नहीं है, देख लें, क्योंकि जो है ना मुझे याद नहीं है इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर कितनी प्यारी किचन है, ये मुझे पता ही ना किचन है, मैं आज देखता हूँ। किचन निकाल लेते हैं, गिफ्ट मैंने आज खोला है, इसके अंदर इतनी प्यारी सी किचन है और इसके अंदर ये प्यारा सा परफ्यूम है, लेकिन मेरी रिंग का है। अब अल्लाह करे मिल जाए। ये यही होगी, ऐसा नहीं यहाँ नहीं होगी, क्योंकि अक्सर मैं चीज़ें रख के ना भूल जाता हूँ। अब जो ना मैं भूल गया था कि आपको बता दूँ कि मैं ये रख रहा हूँ, एक तो मैं भुलक्कड़ हूँ ना, कोई चीज़ भी कहीं रखता हूँ ना भूल जाता हूँ। लास्ट टाइम भी आपने ऐसा ही किया था। गाइस, उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट जो है ना डायरी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो डायरी भी अभी तक नहीं मिली, उसमें सारे हिसाब किताब लिखे हुए, वो डायरी अभी तक मुझे नहीं मिली। आपको मिली? नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ कि आप जो है ना जहाँ पर चीज रखते हैं भूल जाते हैं। और गाइस, वो डायरी मैंने संभाल के रखी हुई थी, वो जो है ना मेरे हस्बैंड के कुछ जैसे बिल्डिंग का कुछ काम वाम होता है तो वो चीजें जो है ना लिखी हुई थी, तो मैंने वो संभाल के रखी हुई थी। तो इन्होंने मुझसे, 2 महीने हो गए उस डायरी को गुम हुए हुए, अभी तक वो नहीं मिली। और इन्होंने मुझसे मांगी थी कि मुझे दे दें, मैंने ना कुछ लिखना है, मैंने कहा चले ठीक है। तो मैंने डायरी इनको दे दी और ना ये बेड पर बैठ कर उस पर कुछ लिख रहे थे, कुछ हिसाब किताब था वो कर रहे थे, तो वो लिख रहे थे। और उसके बाद इन्होंने मुझे डायरी नहीं दी और उसके बाद ये चले गए बाहर। और जब बाहर से आए तो मुझे कहते हैं डायरी कहाँ है फातिमा? मैंने कहा मुझे क्या पता आपको, मैंने आप बेड पर बैठे हुए थे तो आपको पता होगा आपने कहाँ रखी है। तो उन्होंने कहा बेड पर थी। और उस दिन मैंने पूरा रूम, पूरी अलमारी जो है ना अच्छे से चेक की, लेकिन मुझे वो डायरी नहीं मिली और अभी तक भी नहीं मिली। और उस डायरी को गुम हुए 2 महीने हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं मिली मुझे। ये कौन सूट है? ये जो अभी लिया था 2-3 दिन पहले। इसके अंदर कुछ सामान था? नहीं, ये मुझे लगा शायद वो निकाह वाला सूट है। निकाह वाला सूट इधर है, ये मैंने कल रखा है। अच्छा, नहीं इधर नहीं है, इस अलमारी में पूरा देख लिया। चलो फिर इस अलमारी में देखते हैं। यार एक तो जब नहीं आता ना तब मेरे टेंशन नहीं थी, अब मुझे याद आ गई ना और अब मिल नहीं रही ना तो मुझे और टेंशन हो रही है। अभी आप वीडियो बंद करो, मेरी हेल्प तो कराओ यार, मेरी हेल्प करा दो ढूंढने में।
अब ये सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे शादी के, कहीं यहीं कहीं है, मुझे पता है यहीं कहीं है। अच्छा गाइस, तो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ और यहीं करते हैं आज का व्लॉग एंड। और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि रिंग मिल जाए। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टाटा अल्लाह हाफिज़।